सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बेंगलुरु से ही। और सड़क किनारे जहां तक भी आपकी अगर निगाह जाएगी दौड़ेगी आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। ये समर्थक हैं, देखिए जरा किस तरह से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, अपार जन समर्थन। हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हिमांशु की मौजूदगी वहीं बेंगलुरु में ही। हिमांशु, कल से और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मेगा रोड शो है वो जारी है, कल 26 किलोमीटर आज 10 किलोमीटर, किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है और क्या तस्वीरें कहती हैं? देखिए बिल्कुल आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है कल 26 किलोमीटर का था, आज लगभग 9 किलोमीटर का होने वाला है। कल उन्होंने 17 विधानसभा सीटों पर लोगों से कनेक्ट किया था, आज जो है वो 8 विधानसभा सीटों पर लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह बेंगलुरु में बारिश था, जहां रोड शो था सुबह सुबह लोग आ गए थे, मैं भी खुद 7 बजे पहुंच गया था, तब बारिश हो रही थी और लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 10 बजे शुरू होना था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो तक लोग इंतजार करते रहे, बारिश होती रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा रोड शो था बेंगलोर में, इससे पहले उन्होंने 29 तारीख को जो है वो रोड शो किया था नॉर्थ में, नॉर्थ बेंगलुरु में। कल उन्होंने रोड शो किया था 26 किलोमीटर का, मैंने आपको पहले भी बताया 17 विधानसभा सीटों को उन्होंने कवर किया था। आज उनका जो है वो रोड शो है जिसमें उन्होंने 7 विधानसभा सीटों को कवर किया है, 32 विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 32 में से ज्यादा सीटें हम जीते, 20 से ज्यादा सीटें अगर हम जीतेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2013 में 8 सीटें। और ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें, बहरहाल आपका शुक्रिया।